देखिए बेटा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने अभी अभी निकाला और उसकी वैल्यू आई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये आप याद रखेंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब डेरिवेशन काम के नहीं है ना पूछे जाते हैं, बस बुक में है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। सही सही चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो अब जो है समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए जरा सुष्मी बेटा तुम तो जानकार हो, ये कोई जो है कल्पना करो चालक प्लेट है। कैसी प्लेट है बेटा? चालक प्लेट। चालक और अचालक में फर्क आप जान चुके हो इस लेसन में जो है पढ़ते हुए, कि आपको हमने बताया हुआ है बेटा कि अगर जो है कोई चालक प्लेट या चालक गोला होता है तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर आता है, लेकिन अगर अचालक होता है तो संपूर्ण जगह में आवेश आ जाता है। तो अगर ये जो है चालक प्लेट है तो आवेश इसके केवल किनारों पर, माने इस किनारों पर या इस किनारे पर, पृष्ठ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, एक पृष्ठ ये दिखाई दे रहा है पृष्ठ वन, और ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है, दो पृष्ठों से मिलकर बनी नजर आ रही चालक प्लेट की नहीं। और बेटा जो है सुष्मी, अगर बुद्धि लगाओ, हमसे कह रहा है आवेशित चालक प्लेट जो पतली सी है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो जैसे अगर जो है इस तरह से कोई ये चालक प्लेट है, अगर और भी पतली होगी जान रहे हो, तो ये जो चालक प्लेट है इसका ये जो किनारा है इसको समझ सकते हो एक छोटी सी अचालक प्लेट है, कम मोटाई वाली अचालक प्लेट है, और इस किनारे को भी क्या समझ सकते हो, कम मोटाई वाली अचालक प्लेट। तो ये दो अचालक प्लेटों का मिश्रण मानी जा सकती है, माने ये दो अचालक प्लेटों से मिलकर बनी मानी जा सकती है, ऐसा माना जा सकता है कि नहीं, कि ये दो अचालक प्लेटों प्लेट वन और प्लेट टू से मिलकर बनी है। और जब आप इसको आवेश देंगे तो ये जो पहली वाली अचालक प्लेट है पूरी तरह से क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। पक्का? और कितना आवेश दिए हैं? दूसरा वाला किनारा भी क्या हो जाएगा, प्लेट बहुत पतली है आवेशित हो जाएगी। अब अगर बेटा हम कहें कि इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो इस प्लेट के निकट मान लो कहीं कोई बिंदु P है, इसी बिंदु पर तीव्रता बतानी है। इस समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण प्लेट के निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। चूंकि हम इस अचालक प्लेट को कई प्लेटों से मिलकर बना मान रहे हैं, प्लेट वन और प्लेट, तो ये प्लेट वन यहाँ पर तीव्रता बनाएगी, मान लेते हैं कितना तीव्रता बना रही है, प्लस आवेश के कारण बिंदु की ओर तीव्रता वेक्टर E1, और प्लेट टू भी यहाँ पर तीव्रता बनाएगी, कितना तीव्रता बनाएगी मान लेते हैं, परिणामी तीव्रता दोनों जोड़ते तो आंसर आ जाएगा। एक मिनट चित्त का वर्णन, पहले माना एक समतल चालक प्लेट प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, सभी लोगों को ध्यान देने रहना है, कितने आवेश से आवेशित है। माना यह प्लेट दो किससे मिलकर बनी है, हाँ आवेशित अचालक प्लेटों, नाम बोल दो उनके, वन व टू से मिलकर बनी है। इस आवेशित आवेशित हो चुकी है प्लेट के निकट स्थित बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। ठीक है महेश बेटा, मैं तो हाँ सर समझ आया,
और बच्चों पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बनेगी और दूसरे कारण क्या बनेगी, प्लेट वन ध्यान से समझिएगा, प्लेट के पृष्ठ वन, प्लेट के पृष्ठ वन के कारण ध्यान से देखो ऐसा समझ में आ रहा है, पी पर तीव्रता, ये जो पृष्ठ वन है शिवांशु ये बिंदु पी पर तीव्रता कितनी बनाया है और प्लस आविष्कार तीव्रता बिंदु की ओर होती है, तो वेक्टर ईवन बराबर तीव्रता वेक्टर ईवन बराबर तीव्रता क्या रहेगी वेक्टर ईवन। गौर से देखो अभी अभी कल की क्लास में डिराइव हुआ है कि अगर या आज ही क्लास में डिराइव किए थे अचालक प्लेट हो उसके कारण तीव्रता क्या आई थी सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, यही आया था, तो तीव्रता सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट आंकिक वैल्यू रख रहे हैं। इसी प्रकार पृष्ठ टू के कारण तीव्रता E2 ये भी सिग्मा पान, दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में है कि नहीं, वेक्टर E1 व वेक्टर E2 समान दिशा में है, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या होगी बच्चों वेक्टर E की वैल्यू दोनों के जोड़ के बराबर, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी उनके योग के बराबर होता है, समझा मैंने, इसलिए E बराबर वेक्टर E1 प्लस E2 में वेक्टर हटा दे, E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान जोड़े पे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया E बराबर। और एक चीज सूत्र कायदे से याद रखे, सवाल लगाओ काम देते हैं, अगर कहे अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और अगर चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बात सबको समझ में आ गई, देख लो जरा एक बार कि एक कोई क्या है समतल आवेशित चालक प्लेट जिसका पृष्ठ वन और पृष्ठ टू पर आवेश प्लस क्यू समाया हुआ है जब इसे आवेशित किया गया, और ये पृष्ठ वन एक अचालक प्लेट की भांति है, पृष्ठ टू भी अचालक प्लेट की भांति है, अगर प्लेट के निकट कहीं कोई बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पता करनी हो तो दोनों पृष्ठों के कारण यहाँ पर तीव्रता बनेगी, पृष्ठ वन के कारण तीव्रता सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ टू के कारण भी तीव्रता सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट, जोड़ दें दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो परिणामी तीव्रता टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह से समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है।